बस आज हम आपको एक्सटर्नल वेरिएबल बताने जा रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि कैसे उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट खोलेंगे, तो यहाँ पर जब आप जाइएगा तो प्रोजेक्ट मिलेगा। यहाँ जब प्रोजेक्ट करिएगा ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट में हमने प्रोजेक्ट बना रखा है, आप दूसरा नाम दे दीजिएगा तो दूसरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। यहाँ पे अगर डी डॉट प्रोजेक्ट आप कर दीजिएगा तो दूसरा खुल जाएगा ओके करने पे। तो हम अपना वाला खोलते हैं जो हमने बनाया है। प्रोजेक्ट खोला, प्रोजेक्ट खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ये आता था, यहाँ से फाइल ओपन करिएगा तो वो प्रोजेक्ट में ऐड होती जाएगी। तो यहाँ से ओपन करेंगे हम exe1 और फाइल ओपन करेंगे exe2। exe1 जब हम ओपन करेंगे तो इसमें देखिए वेरिएबल दिया हुआ है, जब आप इसको रन करिएगा तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल को दे देगा जो डिफाइन है दूसरी फाइल में। प्रोजेक्ट इंक्लूड फाइल, यहां से देखिए फाइल इंक्लूड होगी। अब यहां से खोला फाइल ओपन, यहां से जाइए आप यहां पे ओरिजिनल में, यहां से exe1 किया, इसको ओपन किया और इसको बंद करके फाइल ओपन करिए exe2। तो ये दो फाइल हमने बनाई है विद फंक्शन और इंटीजर के साथ, वो फाइल दूसरी थी। तो इस फाइल को जब हम रन करेंगे तो इसमें इस फाइल में हम लोग ने क्या किया है, इंट वैल वन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है, एक्सटर्न वॉइड फंक्शन जो है फंक्शनल वैल्यू फंक्शन बना लिया है जिसको हमने एक्सटर्नल डिफाइन किया दूसरी फाइल में जहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। मेन डिफाइन किया, वैल वन किया, 20 किया वैल की वैल्यू, CLRSCR किया, क्लियर स्क्रीन जब हम करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, फंक अब हम कॉल करेंगे जो दूसरी फाइल में पड़ा हुआ है, और गेट CH करेंगे तो वो रुक जाएगा जो भी आउटपुट वहाँ पे प्रिंट हुआ है और रिटर्न जीरो हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को, और दूसरा प्रोग्राम जो है वो फाइल ओपन exe2 हम लोग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरी फाइल जो बनी है उसमें एक्सटर्न इंट वन है। तो पहले में देखिए हमने एक्सटर्न इंट को ग्लोबल वेरिएबल जो बनाया वो यहाँ पर एक्सटर्न जब हम करेंगे तो इसमें जो वैल्यू हमने वैल की 20 डिफाइन की है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और CLRSCR करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी प्रिंट होने से पहले हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन जो कॉल होगा तो हमने यहाँ पे लिखा था ना फन, इसको थोड़ा से फन लिखा था ना, तो फन फंक फंक्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ पर वैल वन को प्रिंट कर देगा। तो इसको देखते हैं, इसको ऊपर करके देखिए, यहाँ पे देखिए फंक हमने कॉल किया है और यहाँ पे जब फंक आएगा तो यहाँ पे प्रिंट एक्सटर्नल वैल, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल वैल कर दिया, वैल की वैल्यू 20 है तो वो 20 प्रिंट कर देगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। देखिए एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ वेर वन इज 20। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल वेरिएबल को प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में यूज़ करने का मतलब है कि अगर किसी ने एक प्रोग्राम बनाया तो दूसरा प्रोग्राम वहाँ पर हम यूज़ करके, दूसरा आदमी दूसरा प्रोग्राम बना रहा है तो पहले आदमी की जो भी वैल्यू है वो अपने इसमें कॉल कर सकता है एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन करके। आप exe1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं फाइल को जो किसी ने और ने
डेवलपर ने बनाई है, जो किसी और ने बनाई है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच की जगह वहाँ पर इंक्लूड ex1 लिख लेंगे फंक्शन 2। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे ख्याल से एक्सटर्न वेरिएबल अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ पे ये ग्लोबल लिखते हैं तो फाइल टू में आप ये देखिए एक्सटर्न लिखते हैं। जब वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करने के लिए एक्सटर्न लिखा, यहाँ पे फंक्शन को जो डिफाइन किया है हमने वो मेन में देखिए एक्सटर्न वॉइड फंक्शन करके मेन में कॉल कर रहे हैं। तो मेन में ये देखिए फंक करके, तो ये जो है एक्सटर्न वॉइड हम डिफाइन कर दिया, तो हमें ये पता लग गया कि ये फंक्शन दूसरी फाइल में है। और जब यहाँ पर एक्सटर्न वेर वन वैल वन किया तो ये पता लग गया कि ये वैल्यू पहले वाले से ली गई है। तो दोनों आपस में एक दूसरे की वैल्यू प्रोग्राम दे सकते हैं एक्सटर्न फंक्शन डिफाइन करके। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो करने में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मेरे सोशल मीडिया लिंक को ज्वाइन करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, अब 56% सब्सक्राइब नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।